नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना नगर निगम में भ्रष्टाचार और चोरी सामान्य सी बात हो गई है। नगर निगम के किसी भी निर्माण में आपको भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा नगर निगम में चोरी भी पर्याप्त मात्रा में होती है। यदि नगर निगम के स्टोर का सत्यापन करा लिया जाए तो चोरी बड़े पैमाने में पकड़ी जा सकती है। इसके अलावा भी नगर निगम के अंदर जितने भी वाहन चल रहे हैं उसमें डीजल चोरी तथा वाहनों को जबरिया बिगाड़ कर या बिगड़ा हुआ दिखाकर उसमें जो सुधार कार्य कराने का बिल प्रस्तुत किया जाता है वह भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। अगर नगर निगम में लगे हुए वाहनों में प्रतिदिन डीजल की कितनी खपत होती है और कितनी आवश्यकता है, यदि इसका भी सूक्ष्म परीक्षण करा लिया जाए तो यहां भी एक बड़े घोटाले की पुष्टि हो जाएगी। फिलहाल विशाल खबर के पास एक ऐसा वीडियो उपलब्ध है जिसमें नगर निगम के वाहन से डीजल की चोरी की जा रही है। आखिरकार इस तरीके की चोरी खुलेआम दबंगई के साथ बिना नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के सहमति के बिना नहीं हो सकती। वैसे भी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर इस तरीके के आरोप कोई नए नहीं है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि डीजल और वाहन मरम्मत के नाम पर नगर निगम में बरसों से लाखों रुपयों की चोरी और लिपापोती चली आ रही है। अब देखिए नगर निगम के वाहन से कितनी आसानी के साथ और कितनी दिलेरी से डीजल चुराया जा रहा है, यह कोई एक दिन की बात नहीं है। ऐसा खेल नियमित रूप से खेला जाता है। यह अलग बात है कि आज नगर निगम के वाहन से चोरी करने वाले व्यक्ति का वीडियो बन गया। डीजल चुराने वाले व्यक्ति के हाव भाव से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके की डीजल चोरी इनकी आदत में शामिल है। जब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी इस तरीके का संरक्षण चोरों को दिए हुए हैं तो भला नगर निगम के वाहनों से डीजल चोरी क्यों ना हो। शहर के महापौर सतना को रीवा से आगे ले जाना चाहते हैं और साफ सफाई के मामले में सतना को इंदौर बनाना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम में जिस तरीके का अमला वर्षों से कुंडली मारकर बैठा हुआ है उस अमले से यह उम्मीद करना कि यह काम ठीक से करेंगे, यह ठीक उसी तरह से है जिस प्रकार से दिन में तारे देखने की कल्पना करना। लोगों को यह उम्मीद तो है कि महापौर कुछ न कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन बेहतर इन्हीं नगर निगम कर्मचारियों से कराना होगा और नगर निगम में पदस्थ कर्मचारियों की आदत काम करने वाली नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार चोरी करने की आदत पड़ चुकी है। इस आदत को बदलना इतना आसान काम नहीं है। अभी 200 कर्मचारियों के फर्जीवाड़े की कहानी पूरी तरीके से खुली भी नहीं थी कि नगर निगम में डीजल चोरी का वीडियो भी सामने आ गया। अब देखते जाइए आने वाले दिनों में नगर निगम की तमाम कहानियां प्याज की परत की तरह उधड़ उधड़ कर सामने आ रही हैं। नगर निगम कार्यालय में काम चोरी, अराजकता, भ्रष्टाचार और चोरी की शिकायतें तो आती हैं, लेकिन सतना शहर का नगर निगम एक ऐसा कार्यालय है जहां प्यार, मोहब्बत, आसकी तक की तमाम कहानियों से चैम्बर पटे पड़े हुए हैं। विशाल खबर ने काफी कुछ कहानियां जनता के बीच लाकर रख दी है और अभी काफी कुछ कहानियां आना बाकी हैं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या आपके सीने में भी कोई ऐसा राज दफन है तो आप हमें 8109044656 पर सूचना दे सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।